सभी आंगनबाड़ी बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आज फिर से पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया बदलाव किया गया है और इसमें आपको 12.9 का एक नया वर्जन अपडेट करना होगा, जिसमें कि आपको चार नए बदलाव देखने को मिलेंगे। और चार नए बदलाव के साथ साथ और भी कुछ पोषण ट्रैकर ऐप में बदलाव किया गया है, जिसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी होने वाली है। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि जो बच्चों की कैटेगरी है, उसमें हम लोग जो बच्चों की कैटेगरी देखते थे कि किसी भी बच्चे का कैटेगरी, मान लीजिए 0 से 6 माह के जो बच्चे हैं वो 6 माह से 3 साल वाले कैटेगरी में ऑटोमेटिक नहीं जा पाते थे, तो अब उसकी प्रॉब्लम भी यहाँ पर ठीक हो गई है। और जैसे कि आधार वेरीफाई करने का जो ऑप्शन है, उसको एक नया मॉड्यूल दे दिया गया है, जिसमें कि आप सभी लाभार्थियों का आधार एक ही मॉड्यूल में जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उस पोषण ट्रैकर ऐप की ओर और देखते हैं इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन करके यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लेना है पोषण ट्रैकर, और पोषण ट्रैकर लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका डेट देख सकते हैं, 11 तारीख को ये अपडेट आया हुआ है। और यहाँ एरो पे क्लिक करके इसका वर्जन भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 12 पॉइंट का जो नया वर्जन है वो यहाँ पे आया हुआ है, और इसमें जो नया बदलाव किया गया है उसका यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या क्या बदलाव किया गया है। जैसे कि पहला नंबर दिया गया है लैक्टेटिंग मदर इन्फेंट जेंडर इशूज, यानी कि जो धात्री माताएं हैं जिनमें जेंडर को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उसको ठीक कर दिया गया है। दूसरा नंबर है अलाउ पेंडिंग आधार वेरिफिकेशन टू बी क्लिकेबल अगेन, यानी कि जो आप लोगों का आधार वेरिफिकेशन पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो इन प्रोग्रेस दिखा रहा था, उसको आप लोग दोबारा से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आधार वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन है उसको नया जोड़ा गया है। तीसरा नंबर में है ट्रेनिंग मॉड्यूल बग फिक्सेस, तो जो ट्रेनिंग मॉड्यूल जिसमें सेविकाएँ अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल कम्प्लीट करती हैं उनमें भी यहाँ पर जो इशूज़ है उसको ठीक कर दिया गया है। चौथा है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। तो चलिए, ये जो चारों अपडेट आए हुए हैं और साथ ही कुछ नए बदलाव भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहीं पे आपको पहला बदलाव और पहला चेंजिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि आधार वेरीफाई का एक नया मॉड्यूल जोड़ दिया गया है, जिसमें कि सभी लाभार्थियों का जो आधार है अब आप एक ही मॉड्यूल से जाके आधार वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 0 से लेके 6 साल के बच्चों तक और जो गर्भवती महिला, धात्री महिलाएं हैं और जो किशोरी लड़कियां हैं, सभी का आधार वेरीफाई करने का ऑप्शन एक ही में आ गया है। तो यहाँ पे जिनका भी आधार वेरीफाई कंप्लीट नहीं हुआ होगा उनका यहाँ पे आधार वेरीफिकेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे कि जितने भी गर्भवती महिला, धात्री महिलाएँ हैं, उनका आपको 100% आधार वेरीफाई कर लेना है। और जैसे कि जो बच्चे हैं जिनका आधार नहीं बना हुआ है, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि बच्चों का आधार नहीं बना है तो क्या हम लोग माँ का या उसके पिता का आधार नंबर डाल सकते हैं? तो जी नहीं, आप लोगों को बच्चों का ही आधार कार्ड डालना है। और अभी मान लीजिए एक आधार कार्ड नहीं बना है तो आप लोग उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको 100% गर्भवती महिला, धात्री महिलाएँ जो भी है उनका आधार वेरीफिकेशन कर लेना है। आप आधार वेरीफिकेशन यहाँ से भी कर सकते हैं, और दूसरा जो ऑप्शन है बेनिफिशरी में जाके यहाँ से भी आप लोग आधार वेरीफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे अपडेट की ओर। और आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा। जैसे कि यहाँ पे दूसरा अपडेट, यहाँ पे जानेंगे बेनिफिशरी वाली कैटेगरी में चल के जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, जैसे कि इनमें एक प्रॉब्लम थी कि नए रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो यहाँ पर मेल फीमेल का यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा था, तो वो यहाँ से अब सुधार कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करते होंगे तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखे होंगे कि जो रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पे मेल में ऑप्शन आ जाता था या महिला का रजिस्ट्रेशन करने के बाद पुरुष दिखा रहा था, तो यहाँ पे देखिए इसको सुधार कर दिया गया है। चलिए अब तीसरे नंबर के अपडेट में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 डॉट में आएंगे
और यहाँ पे घटनाएं वाले पे क्लिक करके यहाँ पे जो ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया गया है, सेविकाएं ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ जो भी कुछ सीखना चाहती है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल दिए गए हैं और ट्रेनिंग वीडियो आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है कि जो संसाधन का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको ट्रेनिंग का जो वीडियो है वो आप लोग देख के यहाँ से सीख सकती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग मॉड्यूल का वीडियो है यहाँ पर आप लोग आके देख सकते हैं, जो एनीमिया के बारे में भी वीडियो बनाया गया है और बहुत सारे इसमें जानकारी दिया गया है जिसको आप लोग देख के यहाँ से उसको सीख सकते हैं। और जैसे कि जो भी आंगनबाड़ी सेविकाएं ट्रेनिंग वीडियो देख लेती हैं, जो ट्रेनिंग से उनको जानकारी मिल जाती है तो उस पर क्लिक करके यानी कि जो भी आपने ट्रेनिंग पूरा किया उसका डेट यहाँ पर डाल के सबमिट कर सकती हैं। चलिए अब हम यहाँ पे अगले अपडेट के बारे में जानते हैं। जैसे कि और भी बहुत सारे इश्यूज थे इस कैटेगरी से, इस कैटेगरी में बच्चे जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे तो वो भी यहाँ से यहाँ अब ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग अपडेट कीजिएगा तो यहाँ पे देख पाएंगे कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे 6 माह के हुए थे उनका जो नाम है यहाँ से 6 माह से 3 साल वाले कैटेगरी में भेज दिया गया है। और जो 6 माह से 3 साल वाले कैटेगरी के बच्चे थे जिनका 3 साल पूरा हो चुका था उनका यहाँ से 3 साल से 6 साल वाले कैटेगरी में ऑटोमेटिक चला गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इस प्रकार से जो नए अपडेट आए हैं इसमें कुछ बहुत कुछ सुधार किया गया है। पहले यहाँ पर क्या होता था कि जो बच्चे यहाँ से यहाँ नहीं जाते थे तो उनको हम लोग ट्रांसफ़र करते थे अपने से, तो अब ये प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। अब यहाँ से यहाँ बच्चे ऑटोमेटिकली ही आ जा रहे हैं। और इस पोषण ट्रैकर ऐप में और कुछ सुधार नहीं किया गया है, जैसे कि होम विजिट वाला जो शेड्यूल है उसमें पहले जैसे काम करते थे वैसे ही है और इसमें कुछ सुधार नहीं किया गया है। लेट वाला ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक नहीं किया गया है, बाकी सारे ऑप्शन में सुधार किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके और भी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।